आज हम वसंत भाग से झांसी की रानी कविता लेकर आए हैं, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी। अब हम इस कविता का पहला भाग पढ़ेंगे। इसके कुल 18 भाग हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का परिचय इस तरह से है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ सिंह जी के घर में हुआ। शिक्षा भी प्रयाग में ही हुई। सुभद्रा कुमारी बाल्यावस्था से ही देशभक्ति की भावना से प्रभावित थीं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मुकुल, ये कविता संग्रह है, बिखरे मोती कहानी संग्रह, और सीधे साधे चित्र और चितारा। झांसी की रानी इनकी बहुचर्चित रचना है। इन्हें मुकुल तथा बिखरे मोती पर अलग अलग से केसरिया पुरस्कार भी मिले। अब हम कविता पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग इस तरह से है। ये पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता झांसी की रानी से ली गई हैं, और इस कविता में सन 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके बलिदान का सुंदर वर्णन किया गया है। इस भाग का सरलार्थ इस तरह से है। कवियत्री कहती है कि अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण देशी राजाओं के सिंहासन हिल उठे थे, अर्थात देशी राजा विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए थे। राजवंशों ने भ्रुकुटियां तान ली थी, अर्थात वे क्रोधित हो उठे। उस समय ऐसा लगता था मानो बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आ गई हो। खोई हुई आजादी का मूल्य सबने जान लिया था। अंग्रेजों को इस देश से दूर करने का सबने पक्का इरादा कर लिया था, अर्थात अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का प्रण कर लिया था। सन 1857 से वह पुरानी तलवार फिर से चमक उठी थी। कवित्री कहती हैं कि हर हर महादेव का जय घोष करने वाले बुंदेलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान खूब लड़ने वाली यह बहादुर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो इस भाग में हमने सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाए जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने घटनाओं का वर्णन किया है कि क्या क्या हुआ था, उसके बारे में जाना। अगले भाग में हम लक्ष्मीबाई के बचपन और उनके शोक के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।